जितना भारतीय जनता पार्टी बेईमानी कर सकती थी बेईमानी की है। और जिस समय चुनाव शुरू नहीं हुआ था उसी समय मैंने कहा था कि ये जिला पंचायत का चुनाव, जिला अध्यक्ष का चुनाव DM SP लड़ रहे हैं। जब जनता ने हरा दिया भारतीय जनता पार्टी को, जो पंचायत के चुनाव हुए थे उसमें बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी हार गई, उस हार का बदला लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने गुंडों को सड़कों पे छोड़ दिया और पूरा का पूरा चुनाव लूट लिया। जिला पंचायत में जो कुछ किया वो सबके सामने है, उससे भी एक कदम आगे निकल गए ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में। जब जनता ने इन्हें हरा दिया तो जनता का बहुमत का मजाक उड़ाने के लिए, अपमानित करने के लिए लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी ने अपने गुंडों को खुली छूट दी है। और मैं आपको कह सकता हूँ पूरी तरीके से प्रशासन के लोग इसमें जिम्मेदार हैं, वो शामिल थे। कई जगह से ब्लॉक प्रमुखों से ये खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अंदर बैठाया हुआ था। जब अपना पर्चा देने गए या पर्चा को भरने गए उसी समय वहां से निकल करके आए और उन्होंने मारपीट की। इस सीमा तक भारतीय जनता पार्टी गई है। ऐसा लोकतंत्र में कभी नहीं हुआ होगा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, गुंडों को खुली छूट दी है। अखिलेश जी, जो साड़ी खींची गई है ये मतलब ऐसा तो कभी कोई तस्वीर आज तक आई नहीं थी। वो बहन हमें ये मिलके गई हैं दोनों, प्रस्तावक और ब्लॉक प्रमुख की प्रत्याशी। उन्होंने जो घटना उनके साथ जो हुई है, इतना अपमानित कभी नहीं हुआ होगा। एक माँ के साथ, एक बेटी के साथ, एक बहन के साथ ऐसा हुआ हो व्यवहार? ये भारतीय जनता पार्टी जो अपने दुहाई देती थी कि इससे साफ सुथरी पार्टी कोई नहीं है, लोकतंत्र की पसदर बनने वाली, और फिर तब जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के योगी हों, एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी हों, उन्होंने किसको खुली छूट दी थी? कहीं यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से गुंडों को छूट दी थी, जो चाहो सो करो। इसी वजह से हमारी बहन को अपमानित होना पड़ा, उसकी साड़ी तक खींची। याद रखना, जिन अधिकारियों ने इस तरह का काम किया उन अधिकारियों का भी हिसाब किताब किया जाएगा समय आने पर। वो महिला बोल सकने की स्थिति में नहीं है, हमने बात की, बड़ा ही शॉक में दिख रही हैं। आपने उनसे बात की, समाजवादी पार्टी आगे क्या करेगी? दुखी थी, ये स्वाभाविक है, दुखी तो थी, लेकिन जो उनके साथ घटना हुई वो पूरा बताया उन्होंने। अखिलेश जी, एक वीडियो सुरेश जी सांग का फाइल पीछे हल्का, आप पीछे नहीं कर रहे, जूमिंग कर ले यार, हम तो कर लिए हैं, जूमिंग कितनी कर ले। क्या लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अधिकारी, जो जिम्मेदार अधिकारी थे, उन्होंने अपने मोबाइल बंद किए हुए थे, कोई भी नेटवर्क के अंदर नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि अगर कोई बात आएगी तो उनके ऊपर आएगी, इसलिए उन्होंने मोबाइल को आउट ऑफ कवरेज एरिया कर दिया था पहले ही। जिस सरकार के अधिकारियों ने अपने मोबाइल को आउट ऑफ कवरेज एरिया कर दिया हो तो उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? क्या अधिकारियों ने नहीं हस्तक्षेप किया? क्या जिला अधिकारियों ने नहीं हस्तक्षेप किया? क्या पुलिस प्रशासन नहीं मिलकर के इतना अपमानित किए लोगों को? पूरा पुलिस ने अपमानित किया है, और उम्मीद कैसे करोगे आप? भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे गुंडों को सड़कों पे छोड़े हुए, जो दूसरों को कहते थे गुंडा पार्टी, आज वो सबसे बड़ी गुंडा पार्टी निकली तो वो भारतीय जनता पार्टी निकली। माता प्रसाद पांडे के साथ सिद्धार्थ नगर में आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी से मैंने बात की रात में, उन्होंने भी यही कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ होगा जो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कराया। वो नामांकन नहीं कर सके, अपना पर्चा फाइल नहीं कर सके। सोचिए आप, उनको भी अपमानित होना पड़ा पर्चे के लिए। पॉलिटिकली कैसे जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं आप लोग इन सारी? 2022 में चुनाव घोषित होते ही उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें हटा देगी, उखाड़ फेंक देगी।